3, 2, 1, स्टार्ट। आवाज आई? अरे ये लो वे यार, माइंड ब्लोइंग, फर्स्ट इन इंडिया। और अगर ये कॉन्सेप्ट इस मोटरसाइकिल के अंदर आ जाता है तो मैं ये 100% श्योर हूँ कि कस्टमाइजर्स की चांदी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे इससे कमा सकते हैं, बिकॉज ऑफ उनको एक एयर सस्पेंशन सेटअप इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। ये तो वो क्रूजर है जो कि बहुत सारे लोगों के सपनों में आती है। आई थिंक एक्चुअली इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं ना, ये बहुत रिलैक्सिंग क्रूजर टाइप मॉडल होते हैं। और ये जिस कंपनी की मैं इस वक्त बाइक दिखा रहा हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि इसके अंदर जो इंजन देख रहे हैं हम, ये है वी ट्विन, नहीं ऐसा नहीं है, ये है वी फोर। तो वी शेप का इंजन है बट वी फोर है। यहाँ पे वी फोर की ब्रांडिंग भी है, यानी कि इसके अंदर सिलेंडर्स 4 हैं और उसके अंदर जो पिस्टन चलेंगे वो भी 4 हैं। सबसे पहले इसका रेयर व्यू जो है वो काफ़ी तारीफ के काबिल है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लिए एक कुछ और ब्रांड से, जिसमें कि इन्होंने इस टाइप के कुछ एग्जॉस्ट 2 टेल पाइप्स निकाल दिए यार। और ये जो टेल पाइप्स का डिज़ाइन है, अगर ओस वाले एंगल से दिखाया जाए इसको, तो कैसा लग रहा है ना, जैसे कि सीम लाइन है इसी मॉडल के साथ ही है। तो जो टेल पाइप है एक्चुअल, वो इसका जो रेयर सेक्शन है वो कवर कर रहे हैं पूरे के पूरे जो डिज़ाइन सेंस है उसको, ये मैनेज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ टेल से। ये जो एग्जॉस्ट पाइप हम लोग इस वक्त देख रहे हैं, फिर इसको लो रखने के लिए, क्योंकि ये कि क्रूजर वेरिएंट है, तो सीट की जो हाइट है वो काफ़ी लो है। और ये इतनी ज़्यादा लो है कि इसको किसी भी हाइट का कोई भी इंसान आराम से राइड कर सकता है। इनफैक्ट कि अगर मैं इसके नीचे बैठ भी जाऊँ तो तब भी ये मेरे से नीचे है। और 500 सीसी के अंदर ये मॉडल है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एडजस्टेबल, ये एयर शॉक्स है गाइस, एयर सस्पेंशन। इंडिया की फर्स्ट बाइक ये बनने वाली है। अगर ये एयर सस्पेंशन आ गई ना इस बाइक के अंदर, तो यार ऐसा हो जाएगा कि बाइक बिके ना बिके, ये एयर सस्पेंशन ज़रूर सेल आउट बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि इसका एक सीन होता है, आप बटन दबाएंगे ये राइज ले लेगी, आप एक बटन दबाएंगे ये लो ले लेगी। अब इसका एक बार ना इग्निशन दिखाते हैं, तो कुछ इस टाइप का यहाँ से ये वाला पोर्शन है अगर देखा जाए तो। ये इसका, जैसे सारी ज़्यादातर क्रूजर बाइक्स के अंदर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे ये इग्निशन इसका स्विच है और ये इसकी की। इसको मैं अगर ऑन करता हूँ तो इग्निशन सीक्वेंस यहाँ से दिख सकता है। अभी क्यूट एंड नाइस सा बना है, एनालॉग है एक्चुअली ये स्पीडो गेज। और अगर इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस टाइप से ये होता है। क्योंकि ये एयर सस्पेंशन से लेस है तो इसके अंदर ना हाइट वेरिएबल है। अगर ये वाले आप सस्पेंशन देख सकते हैं तो यहाँ पे ये बलून लगा हुआ है और जो इसका कंप्रेसर है, जो इसका पंप है, वो अंदर लगा रखा है। यार कितना स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है ना। अब एक बार जरा ये वाला पोर्शन दिखा दो, तो यहाँ से टैंक में ये एक जो टाइप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि पार्ट ऑफ डिज़ाइन, ये फंक्शनल है। ये आपको दिखाएगी कि प्रेशर कितना है आपके सिलेंडर्स के अंदर। तो ये जो प्रेशर है ये यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, और इस प्रेशर को बढ़ाने वाला जो बटन है वो यहाँ पे है। अगर मैं इसको अप करूँगा तो हाई जाएगी, इसको लो करूँगा तो ये लो हो जाएगी। मतलब टूर पे करूँगा तो लो, स्पोर्ट्स पे करूँगा तो हाई। एक बार ज़रा यहाँ से दिखा दें तो ये देखिए, 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर इसको मैं रेस कर रहा हूँ तो सस्पेंशन रेज हो रही है, थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसके अंदर क्योंकि हमें मोड चेंज करना है। तो ये फर्स्ट इन इंडिया एयर सस्पेंशन मोटरसाइकिल है ये 500 सीसी के अंदर। तो इट मीन्स कि ये एक्सपेंसिव भी होगी। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा रेस करें, और ज़्यादा रेस करें तो ये अपने हाई लेवल पे आ चुकी है, इतना ये रेस हो सकती है। अब देखिएगा वहीं से, मैं अभी इतनी हाइट पे हूँ, फ्रेम के अंदर हमें दिख रहा होगा। अब इसको लो किया जाए अगर हम इसमें टूर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें चाहिए ज़्यादा कम्फर्ट। 3, 2, 1 स्टार्ट। आवाज़ आई? अरे ये लो वे यार, माइंड ब्लोइंग, फर्स्ट इन इंडिया। और अगर ये कॉन्सेप्ट इस मोटरसाइकिल के अंदर आ जाता है तो मैं ये 100% श्योर हूँ कि कस्टमाइजर्स की चांदी हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत सारे पैसे इससे कमा सकते हैं, बिकॉज ऑफ उनको एक एयर सस्पेंशन सेटअप इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अभी हमने देखा तो वो वाले एंगल से, अब ये वाले एंगल से देखें तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। एक बार ये जब कैमरा इसके फीचर्स के ऊपर घुमा लिए जाएँ, जिस तरीके की इसकी फिनिशिंग है जो भी है, तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं कि इंजन इसका काफ़ी कूल है। ये है V4, 4 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक, 16 वॉल्व के साथ में ये आता है, जो कि 496 सीसी का इंजन है, 53 bhp दे देता है ये 10,000 rpm पर, और 49 Nm ऑफ टॉर्क 75 rpm पर, है ना सही चीज़। और ये जो इसका फ्यूल है ना, मतलब ये जो फ्यूल टैंक है ये भी कोई छोटा मोटा नहीं है,
मतलब 16-17 लीटर का फ्यूल टैंक है और जो इसका जो वेट है वो भी 216 किलो के आसपास है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। हाइट बहुत ज़्यादा लो है एंड दिस इज़ द बाइक। काफ़ी अच्छी और यूनिक मोटरसाइकिल बनाई है। ऐसी जो ये मोटरसाइकिल है ना, ये बाहर की कंपनी ज़्यादा डिज़ाइन कर रही है क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज हो इन पार्ट्स के, जो कि पार्ट शेयरिंग होती है। तो ये एक ऐसी सी चीज़ है कि हमारी इंडियन मैन्युफैक्चरर कितना ही पैसा लेके इस टाइप के कॉन्सेप्ट नहीं बना रहे, जो कि राइडर एज अ राइडर मेरे को जो चाहिए वो कॉन्सेप्ट मुझे दिखते हैं हमेशा इन मोटरसाइकिलों में। जो कि बेंडा अगर देखा जाए तो एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर आ रही है, तो इंडिया को भी बिज़नेस बहुत ज़्यादा मिलने वाला है इन सब प्रोडक्ट से जो भी ये कंपनीज आ रही हैं। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत सारी मोटरसाइकिल्स हैं, हम मोटरसाइकिल कार और सबको जो भी इस ऑटो एक्सपो के अंदर है सब कुछ दिखाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।